बता दें कि दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने इतिहास रच दिया है। सोमवार को कंपनी की $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू हो गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 1976 में शुरू हुई एप्पल ने अगस्त 2018 में $1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार किया था। उसे यह उपलब्धि हासिल करने में 42 साल का लंबा सफर तय करना पड़ा। हालांकि 2 साल बाद कंपनी की वैल्यू $2 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गई, जबकि अगले ट्रिलियन यानी 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू होने में कंपनी को सिर्फ 1.5 साल लगे। बता दें कि एप्पल इस आंकड़े तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बन गई है जो कि सार्वजनिक रूप से कारोबार कर रही है। हालांकि बाजार के आंकड़ों के मुताबिक एक और टेक की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट इसी साल की शुरुआत में एप्पल के $3 ट्रिलियन में शामिल हो सकती है। दूसरी खबर पे चलते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसकी जानकारी खुद CM ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने बताया कि मैं कोरोना संक्रमित हो गया हूं। संक्रमण के हल्के लक्षण हैं, जिसे देखते हुए घर में खुद को आइसोलेट कर लिया है। जो लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया खुद को आइसोलेट करें।